नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। जंगल में घास लेने गई महिला पर बाघ ने किया हमला। जंगल में घास काटने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चल रहा है। हल्द्वानी में तमंगों ने सफाई कर्मचारी को रॉड से पीटा, कार्रवाई की मांग। वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी के साथ दबंगों द्वारा जमकर मारपीट की गई। सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद सफाई संगठन के लोगों ने वनभूलपुरा थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आरोपी जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पीड़ित की तरफ से एक आरोपी सहित तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। हरिद्वार ज्वालापुर में मृत मिले तीन कौवे। बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में तीन कौवे मृत मिले। पहला कौवा ज्वालापुर कोतवाली के समीप खान स्टील के सामने वाली गली में एक कौवा मरा हुआ मिला। स्थानीय निवासी तस्लीम उर्फ छोटू अंसारी ने वन प्रभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर प्रभागीय वनाधिकारी मौके पर पहुंचे। एक दिन के बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी पहुंचे अपने गांव, हुआ जोरदार स्वागत। हरिद्वार के ग्राम दौलतपुर की रहने वाली एक दिन की बाल मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी का अपने गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सृष्टि ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बच्चों की समस्याओं को सबके सामने लाने की है। इस दौरान सृष्टि के पिता भी काफी खुश नजर आए। पुलवामा के शहीद मोहनलाल को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। 5 पुलिसकर्मी भी होंगे सम्मानित। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसे क्या सम्मान मिलेगा, इसकी लिस्ट आ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल 4 राष्ट्रपति पुलिस पदक और 286 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा 93वें को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 657 जवानों को मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है। हरिद्वार में रैली के माध्यम से मतदाताओं को किया जागरूक। आज पूरे देश में मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार में भी 11वें मतदान दिवस के अवसर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने देवपुरा चौक से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली में छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने बैनर पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक किया। रुद्रपुर में 6 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। उधम सिंह नगर में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बिजली विभाग को लंबे समय से चपत लगा रहे 6 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये लोग मीटर से पहले कट लगाकर बिजली चुराते थे। ऊर्जा निगम के अफसर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर किसानों की ट्रैक्टर रैली को आईसा का समर्थन। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जानी है। श्रीनगर में भी छात्र संगठन आईसा ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आईसा के छात्रों ने गोला बाजार में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने किसानों के समर्थन में बैनर पोस्टर हाथों में थाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भैंसा गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली पहुंची कांग्रेसी नेता, वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा भैंसा गाड़ी पर सवार होकर कृषि आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। वो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों द्वारा आयोजित परेड में शामिल होंगी। शिल्पी अरोड़ा का भैंसा गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली जाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपर जिला जज की अदालत ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। मिशन 2022 सह प्रभारी रेखा वर्मा का रुद्रपुर दौरा, आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी एवं सांसद रेखा वर्मा रुद्रपुर पहुंची। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारियों व प्रदेश के पदाधिकारियों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। विकासनगर में कांग्रेस का सम्मेलन, प्रीतम बोले बूथ स्तर पर समझे जिम्मेदारी। चक्राता विधानसभा सीट के कालसी ब्लॉक के एक निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिरकत की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर कटाक्ष किया। खटाई में आबकारी विभाग के प्रमोशन, तीसरी बार हुई मेडिकल प्रक्रिया। उत्तराखंड आबकारी विभाग में एक बार फिर प्रमोशन प्रक्रिया के तहत तीसरी बार स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही सोमवार से देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में शुरू हुई है। इस बार मेडिकल के दौरान शासन स्तर के अनुभाग अधिकारी को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया वीर पंथिया दादा के स्मारक का भूमि पूजन। राज्य मंत्री धन सिंह रावत सोमवार को श्रीनगर के दौरे पर रहे। उन्होंने एनआईटी निर्माण को लेकर महिला थाना में अधिकारियों की बैठक ली। सुमाड़ी में वीर पंथिया दादा के स्मारक का भूमि पूजन भी किया।
व्यापारियों ने की कोरोना रिपोर्ट की बाध्यता खत्म करने की मांग, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी के नेतृत्व में व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने सरकार से कुंभ मेले की अधिसूचना भी जारी करने की मांग की है। लालकुआं, विधायक और सीएमओ ने कोरोना वैक्सीनेशन का किया उद्घाटन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में आज कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू हो गया है। इससे पूर्व आज सीएमओ भागीरथी जोशी व क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने संयुक्त रूप से रिबन काट का शुभारंभ किया, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में बने टीकाकरण कक्ष में पहला टीका कोविड 19 ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे को लगाया गया। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के पहले ही दिन 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। मकान मालिकों को ढिलाई पड़ी भारी, किराएदारों के सत्यापन न कराने पर वसूला इतने लाख का जुर्माना। आज सोमवार को ऋषिकेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, बता दें कि मकान मालिकों को लापरवाही भारी पड़ी। पुलिस ने किराएदारों का सत्यापन न कराने पर श्यामपुर क्षेत्र में 63 मकान मालिकों का चालान कर 6,30,000 रुपए का जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए देहरादून SSP द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में किराएदारों के सत्यापन कराने और सत्यापन न कराने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वहीं इस आदेश का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक देहातवा क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश द्वारा भी अपने अधीनस्थों को उक्त विषय में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिस पर प्रभारी से कोतवाली ऋषिकेश ने आज 25 जनवरी 2021 की सुबह 6 बजे से श्यामपुर चौकी क्षेत्र के गुमानी वाला मनसा देवी रूषा फार्म अमित ग्राम पर किराएदारों के सत्यापन की जांच के लिए अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान 4 पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें एक उपनिरीक्षक, 4 कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल और 1 चीता मोबाइल नियुक्त की गई। अभियान से पूर्व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश महोदय के द्वारा समस्त टीमों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व में भी ऋषिकेश क्षेत्र में सत्यापन संबंधी कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में भी सत्यापन की कार्रवाई जारी रहेगी।